नया माल आया है, देखिए किस तरीके से मैं प्रोसेस करता हूँ वो दिखा रहा हूँ। हाँ जी नहीं नहीं यहाँ से ये QC पे जाएगा, इनका QC होगा सब तरीके से, किस तरीके से होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या चीज सब डिजाइन तो सब ये सभी नया है, एक से होंगे ना सब डिजाइन के, मतलब जैसा ये वाला है तो इस टाइप के अलग है या सिंगल पीस ये एक सिंगल ही है, फिर वो और होगा। ठीक है, इसमें काज नहीं है। ये देखिए इसमें एक ये देखिए डिफेक्टेड आया हमारे पास ये प्रोडक्ट, इसमें जो वो होता है बटन का आने का पॉइंट के जिस जगह बटन लगता है वो बटन पॉइंट नहीं है यहाँ पे, यानी कि वो मिसिंग है। अब ये प्रोडक्ट भी अलग होगा और ये जो है आगे वहाँ पे जाएगा, आगे फर्दर पास वहाँ पे जाएगा लोकल वेंडर के पास, मैं जाऊँगा खुद और यहाँ इसमें इस टाइप का डिफेक्ट जो है मैं इसको वहाँ पे ओके करवाऊँगा और ये मेरा ओके हो जाएगा प्रोडक्ट बेचने के लिए, यानी कि मेरा जो लॉस होगा ये बच जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट का। और ऐसे छोटे माइनर से डिफेक्ट आते रहते हैं प्रोडक्ट में, वेंडर की गलती नहीं होती है मगर ये जो चेन चलती है उनकी वहाँ पे थोड़ा सा कभी जल्दबाजी में वो लोग जो है ये भूल जाते हैं इस टाइप का काम करना, किसी में चेन की दिक्कत आ जाती है, किसी में बटन की दिक्कत आ जाती है। तो ये वाले जो छोटे छोटे डिफेक्ट होते हैं ये मैं खुद अपने आप यहाँ पे लोकल वेंडर से करा लेता हूँ। इसमें बटन नहीं है, देखिए ये बात मैं कह रहा था ना कि अभी किसी में कांच की दिक्कत आएगी और किसी में बटन की। देखिए इसमें ये बना हुआ है, इसमें यहाँ पे बटन लगता है लेकिन यहाँ पे जो है ये बटन बनता है, ये बना हुआ है लेकिन यहाँ पे बटन की दिक्कत आ गई, तो यानी कि इसको भी मैं यहीं पे रख दूँगा और ये जो है मेरा आगे फर्दर के लिए बटन लगने के लिए चला जाएगा। अभी ये हमारा फर्स्ट QC है, अभी फर्स्ट QC है, उसके बाद अभी ये पैकिंग के टाइम पे दोबारा से इसमें चेक होगा, जो थ्रेडिंग आउट मतलब आउटिंग हो रही होगी थ्रेडिंग की वो कटिंग होगी और इसको तब हम इसको पैक करके और इसमें कोड मेंशन करके तब इसको हम अपने आगे फर्दर उधर रखेंगे, जहाँ पे हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे हम ये गारमेंट्स रखेंगे। तो देखिए इसी तरीके से ये यहाँ से जितना भी प्रोडक्ट हुआ है सब अलग अलग हो जाएगा कलर वाइज और साइज़ वाइज। उसके बाद जो है ये यहाँ से आगे मतलब होने के बाद प्रोसेस होने के बाद तब इसमें पैकिंग होती है और हम इसको आगे फर्दर करते हैं। अभी यहीं से ये डिफेक्टेड आ रहा है और ये कलर वाइज चूज़ हो रहा है, फिर इसमें पेपर में मेंशन होगा कि ये इतनी तारीख को यहाँ से माल आया है और ये जो है वेंडर का नाम लिखा जाएगा इसमें, फिर फर्दर इसमें कितना खर्चा हुआ है जो ट्रांसपोर्टेशन में लगा है वो भी इसमें आगे मेंशन होगा और इसका तब मैं इसका जो है प्राइसिंग रखूँगा कि हाँ ये इसका प्राइसिंग ये होना चाहिए प्रोडक्ट का। और इसमें एक चीज़ और है, जब हम इसमें साइजिंग लेते हैं किसी भी चीज़ लेते हैं हमेशा हम यहाँ पे ये जो है यहाँ पे बटन लगा के इसका बटन लगाने के बाद ही हम इसमें इसको साइज़ नापते हैं। हमने ऐसे ही खुले में ये खुला हुआ है और खुले में ही इसमें इस तरीके से हमने ये करके नाप दिया, तो होता है ना उसमें मतलब अगर 2 इंच का भी फ़र्क आ गया तो इससे क्या होगा साइज़ में जो है गड़बड़ हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए 30 है तो 32 शो करेगा ऐसे नापने में,
परफेक्ट जो साइजिंग आती है वो इसी तरीके से आती है ये बटन लगाने के बाद। तो साइजिंग है क्या, एक्चुअल साइजिंग इसकी अभी आएगी, बटन लगने के बाद जो है इसकी एक्चुअल साइजिंग आएगी, उससे पहले इसकी एक्चुअल साइजिंग नहीं आ सकती है। तो देखिए ये पूरी सॉर्टिंग हो चुकी है, यहाँ पे साइज वाइज पूरा ये निकल चुका है जितने भी प्रोडक्ट आए हैं। अब कल को ये यहाँ से आगे जाएंगे और इसमें होगा क्या, पहले से सबसे पहले फ़ोटोशूट के लिए जाएगा ये, कि ये इसमें से हर एक कलर में फ़ोटोशूट होगा। और एक चीज़ और है, ये इतने सारे मेरे प्रोडक्ट हैं और इसमें से ये जो है इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, जैसे बटन नहीं है किसी में, किसी में काज नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं। तो ये कुछ ऐसी हैं जो मैं सही करा सकता हूँ, कुछ ऐसे हैं जो मैं सही नहीं करा सकता हूँ। तो मैं जो उनके वही करूँगा कि जैसे मान लीजिए ये 200 क्वांटिटी मानी है मैंने, कि ये मेरी 200 क्वांटिटी आई हैं, तो मेरी प्राइसिंग इसकी मैं कहता हूँ 10,000 में ये 200 क्वांटिटी आ गई है। लेकिन अब 10,000 में ये 200 नहीं रह गई, जितने इसमें से डिफेक्टेड होंगे तो मैं उसको अपनी कैलकुलेशन के लिए, ताकि मुझे नुकसान ना हो, मैं इसको 200 क्वांटिटी नहीं, मैं इसको 190 क्वांटिटी मानूंगा। वहीं से मैं इसको उसी तरीके से कैलकुलेशन करूंगा जिस तरीके से मैंने आपको वो बताई थी कि इसमें ये टैक्स होना चाहिए, ये शिपिंग होनी चाहिए, ये आगे फर्दर होने चाहिए, इसमें सारे खर्चे लगा के तब मैं इसमें मार्जिन सेट करूंगा। तो यही मेरा तरीका होता है हर प्रोडक्ट के साथ। देखिए कल जो ये गारमेंट आए थे इनका QC हो रहा है, और QC होने के बाद अब ये इंडिविजुअली चेक करे जा रहे हैं, इनकी ज़िप वगैरह और बेल्ट वेल्ट सब कुछ चेक किया जा रहा है। इसके बाद जो है ये आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा, और इसमें इसी तरीके से ये यहीं से पैक होगा। और ये देखिए स्टॉक लिस्ट भी आ चुकी है मेरे पास कि ये स्टॉक आया है इस प्रोडक्ट में, और जो डैमेज है वो भी लिखा जा रहा है इसमें कि ये डैमेज है, ये साइज़ में इसमें डैमेज प्रॉब्लम आई है। और जो सही होंगे वो वैसी लोकल वेंडर से मैं जाके अपना सही करा लूँगा इसमें, कि ये प्रोडक्ट में ये कमी है, इसमें ये पूरा इसको प्रोडक्ट को सही कर दीजिए, तो वो आगे फर्दर सेल के लिए जाएगा। अभी आज ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे के बाद ये फ़ोटोशूट के लिए आ गया है। फ़ोटोशूट के आने के बाद फ़ोटोशूट होगा और ये एडिटिंग के लिए चला जाएगा। और ये मेरा पूरा सेट, ये पूरा मेरा सेटअप हो चुका है, और जो बाकी के गारमेंट्स थे, जो बाकी के गारमेंट्स हैं वो गारमेंट्स यहाँ रख दिए हैं सब प्रॉपर तरीके से कोड वोड मेंशन करके, और जो डिफेक्टेड थे वो अलग चले गए हैं। तो बस यही मेरा प्रोसेस है, और अब ये फ़ोटोशूट होने के बाद, एडिट होने के बाद जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं इसको आगे फर्दर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।